तो सिरसा में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कभी किसान आंदोलन तो कभी पानी की समस्या। किसान किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिरसा में पेयजल और सिंचाई के पानी की किल्लत को लेकर किसानों ने अधीक्षा अभियंता का घेराव किया और विभागीय परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष जताया। किसानों का कहना है कि पिछले काफी समय से किसान नहरी पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने से परेशान है। वहीं अब गांव में पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर किसानों ने अधीक्षक अभियंता का घेराव कर पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या दूर करने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि महीने में 2 हफ्ते नहरों में पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी फसल बचा सके और पेयजल का संकट भी समाप्त हो सके। किसान चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह धरना अनिश्चितकालीन के लिए यूं ही चलता रहेगा। सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि हर आदमी तक पीने का पानी तो कम से कम पहुंचाया जाए। सिरसा के अंदर जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। गर्मी जैसी जैसे बढ़ी है, यहाँ जो नहरें चलती है वो एक सप्ताह चल रही है, महीने में सिर्फ 7 दिन चलती है और 22 दिन बंद रहती है। हम आज यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये जो नहर है वो 15 दिन चलनी चाहिए, 15 दिन बंद रहे, 2 सप्ताह नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना लगाया ताकि हर खेत तक पानी पहुँच सके और हर गाँव के अंदर वाटर वर्क्स में पानी पहुँचे ताकि हर आदमी को पीने का पानी भी मिल जाए। क्योंकि सिरसा के अंदर जो समस्या है पानी की, वो जमीन का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। यहाँ तक कि फसलों को भी हम पानी वो लगा नहीं सकते, उसको भी नहरी पानी के अंदर मिक्स करके लगाना पड़ता है। जब नहरी पानी कमी होती है तो अकेला पानी कामयाब नहीं है, फसलों के माफिक नहीं बैठता। तो ऐसी जो हालात आज बने हुए हैं इसको लेके मजबूरन आज हमें यहाँ धरना लगाना पड़ा है नहरी पानी को लेकर।